यदि हमारी मांगे नहीं, हमारा सम्मान नहीं, तो आपको वोट नहीं। ये इसके लिए ये पूरा आह्वान किया गया है। अन्नदाता का अपमान इस देश की जनता नहीं सहन कर सकती। जो किसान की आत्माओं के साथ में, किसान की भावनाओं के साथ में, किसान के सम्मान और स्वाभिमान के साथ में अगर कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी चोट करेगी तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मंद प्रति किसान आंदोलन की गति में एक बार फिर से जान फूंकने की कवायद की गई है और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई है। लिहाजा इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और दिलचस्प बात जो इस महापंचायत की है वो ये है कि यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी तमाम लोग इस महापंचायत को समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए। मैं राम सिंह कुलेरी, बेंगलोर कर्नाटका से, स्पेशली कोने कोने से हमारे देश से किसान भाई जो आए हुए हैं इस किसान महापंचायत के लिए, इसमें शामिल होने के लिए मैं आया। मेरे दो युवा साथी पलवानिया जी मेरे साथ हैं, पलसानिया जी, और मुझे इतने बड़े संख्या में किसान लोगों का सम्मेलन मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखा। 20 लाख लोगों से ज़्यादा यहाँ पे किसान भाई आए और इनकी जो मांगे हैं वो बहुत ही जायज़ हैं। हमारी भारत सरकार को इनकी मांगे सबसे पहले माननी चाहिए। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान के बिना हमारे देश का विकास भी संभव नहीं है। यदि जो सरकार हमारे किसान भाइयों के लिए उचित मान सम्मान नहीं देती है, उनके लिए अच्छे भले की नहीं सोचती है, तो उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि आप सब मिलजुल के और एक साथ ये आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें जब तक हमारी मांगे केंद्र सरकार मान नहीं ले। सर, उत्तर प्रदेश से इसका आगाज़ किया गया और कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो क्या ये माना जाए कि भाजपा को घेरने के लिए यहाँ पर यह भव्य आयोजन किया गया? ये मुजफ्फरनगर की धरती है, ये एक बदलाव की धरती है। ये यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ पे ऐसे आंदोलन किए हैं, तो मैं इनसे सबसे प्रभावित हो गया। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैंने भी खेती की है, मैं भी कृषक से पूरी तरह मन तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा शरीर का रोम रोम इस किसान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो आंदोलन हुआ है, ये जो किसान के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही हैं, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो ये इसका संकेत है। ये हमने आह्वान किया है कि यदि हमारी मांगे नहीं, हमारा सम्मान नहीं, तो आपको वोट नहीं। ये इसके लिए ये पूरा आह्वान किया गया है। राजस्थान से भी कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान से आप लोग यहाँ पर किसान महापंचायत में शिरकत करने के लिए आए हैं, क्या लगता है कि अब किसान एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है वो अब तेज होगा? देखिए, ये लड़ाई देश के मालिक और किराएदार की लड़ाई है, और किराएदार से मालिक अगर हिसाब मांगता है और उसके ऊपर वापस आरोप खालिस्तानी या उसको चाइनीज या पाकिस्तानी एजेंट के द्वारा कहा जाए, ये बात ठीक नहीं है। अन्नदाता का अपमान इस देश की जनता नहीं सहन कर सकती। ये आंदोलन किसी क्षेत्र का आंदोलन नहीं रहा, ये संपूर्ण भारत की आत्मा में आंदोलन बस गया, भारत की जनता की आत्मा में बस गया है। इसलिए ये अब जाति, धर्म, मजहब या क्षेत्र के अंदर बंटने वाला आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, वरना इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर स्टेट में इसका असर देखने को मिलेगा। हर स्टेट में इसका असर रहेगा जाहिर तौर पर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ पर आज की महापंचायत की गई, क्या ये बीजेपी को घेरने के लिए, बीजेपी के मिशन उत्तर प्रदेश को फेल करने के लिए बुलाई गई? देखिए, बात बीजेपी, बात कांग्रेस की, किसी पार्टी की नहीं है। जो किसान की आत्माओं के साथ में, किसान की भावनाओं के साथ में, किसान के सम्मान और स्वाभिमान के साथ में अगर कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी चोट करेगी तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी सरकार और मोदी सरकार को खदेड़ने का एक आगाज़ है। ये मुजफ्फरनगर की धरती क्रांतिकारी धरती है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि है। इस धरती ने
दुनिया भर के बदलाव देखें और उसी बदलाव की गवाही आज हम यहाँ राजस्थान से आकर के इस 20-25 लाख लोगों के जो हुजूम देखा है, इस तरीके से जलजला, इंसान की मुंडरों का जलजला हमने जो देखा है, ऐतिहासिक जलजला था। हमने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा किसान आंदोलन, इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली कभी नहीं देखी। अभी आपको राम सिंह कुलेरी जी बता रहे थे कि 60 साल के जीवन में इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन नहीं देखा। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 30 साल के जीवन के अंदर, अगर जब राम सिंह जी 60 साल के जीवन में अगर नहीं दे सकते, तो मैंने 30 साल की उम्र के अंदर इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन का आज हम गवाह बने हैं। और आज यहाँ से कसम खाकर जाएंगे, बच्चा बच्चा किसान के बेटे हैं, यहाँ से कसम खा के जाएंगे कि जब तक किसानों का मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को और जो भी किसानों के साथ अपमान करेगा उस पार्टी को कोई भी वोट नहीं करेगा। ये ईंट का जवाब पत्थर से है और यह मिशन यूपी का आगाज़ इस मुजफ्फरनगर की धरती से आज इस किसान महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत के हौसले, राकेश टिकैत के जुनून और उनके संघर्ष को सलाम हम करते हैं और आज उनको आश्वासन देकर हम जा रहे हैं कि टिकैत साहब, इस संघर्ष को आप आगे ले जाते रहिए, राजस्थान ही हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे एक आगाज़ माना जा रहा है कि एक क्रांति की जो लौ है वो किसानों ने आज यहाँ से जलाई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो लंबे अरसे से सरकार और किसानों के बीच जो संवाद, जो संवादहीनता बनी हुई है, वो संवाद स्थापित हो पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रुपेश मिश्रा, डिफैक्ट इंडिया, मुजफ्फरनगर।